सहायक शिक्षक संघ के लोग आज छत्तीसगढ़ सरकार से, भूपेश सरकार है उससे मांग के लिए आज सीएम हाउस का जो घेराव करने के लिए जा रहे थे। बहुत सारी मांगे हैं उनकी आज यहाँ से, आज घेराव करने जा सकते, देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या पे जो टीचर संघ, जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं यहाँ पे आज पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं और यहाँ पे सीएम हाउस का घेराव करने के लिए तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन्हें रोक दिया है। तो सब लोग यहाँ पे अभी बैठ गए हैं और लगातार अपनी जो मांग है, इनकी कुछ मांगे हैं, इनको मांग को लेकर यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। बता दें कि जिसमें नियमित करने की मांग हो गई, वेतन वृद्धि की मांग हो गई, इन सभी मांगों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। घेराव करने जा रहे थे, सीएम हाउस का घेराव करने के जा रहे थे, पुलिस की बैरिकेड लगाकर इन सभी को रोक दिया है। देख सकते हैं सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, महिला है, पुरुष है, यहाँ पे जितने भी पूरे प्रदेश भर से जितने भी सहायक शिक्षक संघ के जो भी सहायक शिक्षक है वो अपने वेतन वृद्धि की मांग और नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और लगातार इनको सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये लोगों की मांगे हैं, सीधा बात करते हैं इन्हीं लोगों से कि क्या मांगे हैं इन लोगों की, किस तरह से जो मांगे हैं और किन मांगों को लेकर अभी यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी किन किन मांगों को लेकर अभी यहाँ पे। हाँ, मैं शिक्षक फेडरेशन से निर्मल प्रकाश सोनी कुरुद ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ सर। हम लोग 15 सालों से छला जा रहे हैं, हमारी एक ही मांगे हैं, हमारे जो वेतन विसंगति है वो हमको मिटा दिया जाए। आज 1, 2 और 3 में इतनी ज़्यादा वेतन विसंगति है कि 15-15 हजारों का डिफरेंशन होता है और सभी जो कार्य होते हैं शासन के सिर्फ सहायक शिक्षक ही करते हैं, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, चाहे वो अंगना हो, लाख जो काम है शासन का वो सिर्फ सहायक शिक्षक फेडरेशन ही करते हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन ही छले जाते हैं। आज तक हम 15-20 साल से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं लेकिन शासन आज तक ना तो हमारी मांगे सुनी है और आगे क्या करता है कि शासन की मंशा, हम अपनी घोषणा पत्र में ये भी लिखा गया था कि सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है अभी तक छले जा रहे हैं, उनके जैसे ही हम सत्ता में आएंगे उनकी सारी मांगे पूरी कर लिया जाएगा। आज तक 2 साल बीत गया, शासन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सामने बजट था उसमें भी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं निकाला गया है। इसलिए आज हम मैदान पर उतर आए हैं और शासन को चाहिए कि हमारे जो मांगे हैं वे जायज है और उनकी पूर्ति करें। कब तक नहीं उठेंगे, सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हुए हैं। बैठेंगे सर, हमारी जब तक हमारी अध्यक्ष जो है सामने है, जब तक वहां से आदेशित नहीं होगा चाहे वो रात भी जाए हम यहीं बैठे रहेंगे। आप भी हैं, मेंबर हैं यहाँ के सहायक शिक्षक संघ के, अलग अलग मांगों को लेकर है, विरोध भी कर रहे हैं यहाँ पे, क्या किस तरह से मांगे हैं? ये जो मांगे हैं वेतन विसंगति को लेकर है, 2018 से यह जो वेतन विसंगति है वो बढ़ता हुआ आ रहा है और जो वर्तमान सरकार है वो पहले बोल भी चुकी थी कि वर्ग 1 और 2 को संविलियन में फायदा हुआ है लेकिन वर्ग 3 को फायदा नहीं हो पाया है कि नहीं। और उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा भी था कि जब हम लोग की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, तो वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा और क्रमोन्नति दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए, वादा खिलाफी किया जा रहा है। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश सरकार है, उससे मांगे की जा रही हैं कि जो वादा किया गया था कहीं ना कहीं पे तो उसे पूरा कर। देख सकते हैं पीछे की छत्तीसगढ़ जो सहायक संघ के जो लोग हैं यहाँ पे आज आए हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं अपनी लगातार मांगों को लेकर वर्ग 3 के जितने भी जो हैं सहायक शिक्षक हैं, वर्ग 3 के शिक्षक हैं, ये सभी अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए हैं और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगाकर इन्हें फिलहाल रोक दिया है। और इनकी सीधी मांगे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं या फिर मुख्यमंत्री या फिर सीएम हाउस से कोई जनप्रतिनिधि, जो उनका कोई प्रतिनिधि मंडल, जब तक उनसे बात करने के लिए, इनके अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करने के लिए, इनके संघ के जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए नहीं आता, तब तक इनकी जो अपनी जो मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे और लगातार यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपकी लगातार नारेबाजी की जा रही है, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार सरकार से आवाज़ उठाई जा रही है। देखने वाली बात है कि तब मुख्यमंत्री बघेल और चाहे वो उनके कोई या उनका प्रतिनिधि जब कब उनके इनकी बातों को आकर सुनता है और इनका जो धरना है आखिरकार कब समाप्त होता है। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, TCP न्यूज़ रायपुर।